फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेट्स एग्जामिन इन अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट व्हाट आर फैक्टर ऑफ सेफ्टीज अकाउंटेड इन डिजाइन ऑफ अ रिटेनिंग वॉल एंड व्हाट आर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टीज। टेक्निकली वैल्यूएबल कंटेंट, अ सिविल इंजीनियर शुड नॉट मिस इट। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो फ्रेंड्स, रिटेनिंग वॉल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात को आप ध्यान रखिए। रिटेनिंग वॉल इज डिजाइंड यूजिंग LSM। LSM स्टैंड फॉर लिमिट स्टेट मेथड, जो कि हमने इंजीनियरिंग में कंक्रीट डिज़ाइन में पढ़ते हैं। तो इसी मेथड को यूज़ करके रिटेनिंग वॉल को डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को आप अंडरस्टैंड कीजिए फ्रेंड, कि जब एक रिटेनिंग वॉल को हम डिज़ाइन करते हैं तो क्या क्या क्रिटिकल कंडीशन होती है जिस कंडीशन में रिटेनिंग वॉल फेल हो सकती है, जिसको कि हम लोग मोड्स ऑफ फेलियर्स कहते हैं। और ये दो क्रिटिकल कंडीशन होते हैं, दैट इज अ स्लाइडिंग एंड ओवर टर्निंग, राइट। आप तीसरी कंडीशन को भी कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बियरिंग। और बियरिंग के केस में ऑलरेडी हम दो जगह फैक्टर ऑफ सेफ्टी को काउंट करते हैं। पहला कहाँ पर करते हैं, एक तो मटेरियल स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है उसमें 1.5 का फैक्टर लेते हैं एंड डिज़ाइन के लिए हम लोग 0.67 FC के कंसिडर करते हैं, राइट। और साथ ही साथ हम एक जगह और कंसिडर करते थे, डिज़ाइन स्ट्रेस की बात करते थे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिज़ाइन स्ट्रेस के लिए अगेन 0.67 FC को 1.5 के फैक्टर से डिवाइड करते हैं और ये वैल्यू आती है 0.45 FC, राइट। तो बियरिंग के केस में ऑलरेडी वी हैव अकाउंटेड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे सिर्फ दो बातों को हम कंसिडर करेंगे, अगेंस्ट स्लाइडिंग एंड अगेंस्ट ओवरटर्निंग। स्लाइडिंग के केस को आप समझ सकते हैं, इस फोटोग्राफ को रेफर कीजिए। ये देखिए डॉटेड लाइन जो दिखा रहा है ओरिजिनल पोजीशन ऑफ रिटेनिंग वॉल, यहाँ से जो लैटरल प्रेशर जनरेट होगा, सॉइल प्रेशर, इसकी वजह से अपनी पोजीशन से ये क्या है, शिफ्ट हो गया। दिस इज अ केस ऑफ स्लाइडिंग। दूसरी फोटोग्राफ को रेफर कीजिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये जो येलो कलर से रिटेनिंग वॉल की क्रॉस सेक्शन को जो दिखा रहा है, यहाँ से ये क्या कर रहा है, ओवरटर्न कर रहा है, मीन्स इस तरह से टिल्ट कर गया। तो अगेन दिस इज अ केस ऑफ फेल्यूर। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीइंग एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि जब एक रिटेनिंग वॉल को डिज़ाइन किया जाता है तो इंडियन स्टैंडर्ड्स कोड जिसको रेफर किया जाता है वो कौन सा होता है, इंडियन स्टैंडर्ड्स 1904, सॉरी यहाँ पे 2021 होना चाहिए, 2021, दिस इज़ द लेटेस्ट एडिशन। एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स, बीइंग एज अ सिविल इंजीनियर आपको ये भी चीज़ें समझनी चाहिए कि जब भी आप इंडियन स्टैंडर्ड कोड को रेफ़र कर रहे हैं दैट शुड बी लेटेस्ट वन। और लेटेस्ट वन कैसे आपको पता चलेगा, इसके लिए किस तरह से रेलेवेंट सोर्स से आपको इंडियन स्टैंडर्ड्स कोड को डाउनलोड करना है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, प्लीज़ गो थ्रू दैट, ये आपको आना चाहिए। अब देखते हैं फ्रेंड कि IS कोड में क्या प्रोविज़न दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स, आपको रेफ़र करना है इंडियन स्टैंडर्ड्स 904 एंड लेटेस्ट एडिशन 2021, राइट। इसमें अपने को रेफ़र करना है क्लाउज नंबर 17, जहां पे क्या लिखा हुआ, स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग। अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्लाइडिंग वाले केस को 17.1.1 में डिस्कस किया इन्होंने, और ये क्या लिखते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर विच इज़ रेसिस्टिंग लैटरल फोर्स, लैटरल फोर्स सॉइल अर्थ प्रेशर सच एज रिटेनिंग वॉल शैल नॉट बी लेस देन 1.5। और इस स्लाइडिंग के करस्पॉन्डिंग दो केसेस को इम्पोज करते हैं बेस्ड ऑन लोड कॉम्बिनेशन। इसको मैंने यहाँ पे टेबुलेट किया है, प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए। तो स्लाइडिंग के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट लोड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थ प्रेशर, ये तीनों तो आप अकाउंट करेंगे ही, साथ ही साथ विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, इन दोनों में से एक को लेना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इस बात को जोर देकर बोला है कि विंड लोड या अर्थक्वेक लोड को दोनों में से एक को ही कंसिडर करना होता है, दोनों को साइमल्टेनियसली नहीं कंसिडर करते हैं इन डिज़ाइन। तो जब ये फर्स्ट लोड कॉम्बिनेशन को लेंगे तब आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है रिटेनिंग वॉल को डिज़ाइन करते हुए, 1.5। यदि आप डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थ प्रेशर को ही कंसिडर कर रहे हैं, मतलब आप विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को नहीं ले रहे हैं, तब आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेना पड़ेगा, दैट इज़ 1.75। फ्रेंड्स, दीज आर वेरी क्रूशियल थिंग्स, आपको पता होना चाहिए। सेकेंड केस को देखिए फ्रेंड, ओवरटर्निंग, और इसको मेंशन किया है 17.1.2 में। यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर शैलो फाउंडेशन अगेंस्ट ओवरटर्निंग शैल नॉट बी लेस देन 1.5। और अगेन यहाँ पे ये दो लोडिंग कंडीशन को इम्पोज करते हैं, जिसको कि मैंने यहाँ पे टेबुलेट किया है, आप ऑब्जर्व कीजिए इसको। फर्स्ट लोड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थ प्रेशर, और इन दोनों में से एक, या तो विंड लोड लीजिए या अर्थक्वेक लोड को, तो आप क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकाउंट करेंगे, 1.5। और सेकेंड लोड कॉम्बिनेशन क्या होगा, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थ प्रेशर ओनली, मीन्स आप विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको क्या लेना पड़ेगा, ज़्यादा, और इसकी वैल्यू होती है 2। प्लीज़ रिमेंबर दीज थिंग्स एज इट इज़।
जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी सवाल भी पूछा था, व्हाट इज़ द पॉसिबल मोड्स ऑफ फेलियर कंसीडर फॉर डिज़ाइन फॉर अ रिटेनिंग वॉल। तो ये दो मोड्स अपने क्या हो गए फ्रेंड, एक तो हो गया स्लाइडिंग एंड सेकंड क्या हो जाएगा फ्रेंड, ओवर टर्निंग, राइट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। एंड सेकेंड क्वेश्चन था, व्हाट आर करस्पॉन्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकाउंटेड इन डिज़ाइन। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि दो तरह की लोड कॉम्बिनेशन हो सकती है और उन दोनों लोड कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी को आपको लेना है। सो फ्रेंड्स, अब तक के प्रीवियस वीडियोस में जिस ड्राइंग को हमने कंसीडर किया है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्या लेना है, इसके लिए एक बार हम जियोटेक्निकल रिपोर्ट को फिर से रिव्यू करते हैं। फ्रेंड्स, डिस्कशन में जिस रिटेनिंग वॉल को हमने कंसीडर किया है उसी प्रोजेक्ट की जियोटेक्निकल सर्वे रिपोर्ट क्या रिकमेंडेशन देती है डिज़ाइन के लिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए। इन्होंने लिखा है, बेसमेंट शैल बी डिज़ाइन टू रेसिस्ट द लैटरल अर्थ प्रेशर ड्यू टू बैक फिलिंग बिहाइंड द बेसमेंट एज वेल एज, क्या लिखा है इन्होंने, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को कंसीडर कीजिए। आगे ये मेंशन करते हैं कि डिज़ाइन पर्पज़ के लिए फॉलोइंग वैल्यूज़ फॉर कोफिशियंट ऑफ अर्थ प्रेशर टू बी कंसीडर्ड। और ये क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ इन्होंने दी है और पैसिव प्रेशर के करस्पॉन्डिंग दी है और बोलते हैं एट रेस्ट के कंडीशन के लिए इन्होंने कोफिशियंट की वैल्यू दी है। तो या तो इस रिपोर्ट के हिसाब से लोड कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थ प्रेशर, और दोनों केस के लिए फिर डिज़ाइन करेंगे स्लाइडिंग एंड ओवर टर्निंग। फ्रेंड्स, अब तक मेरी इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा है तो प्लीज़ कमेंट कि जब आप स्लाइडिंग के लिए डिज़ाइन करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना पड़ेगा और जब ओवर टर्निंग को डिज़ाइन करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना पड़ेगा। यहाँ पे इस ड्राइंग में रिटेनिंग वॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए फ्रेंड। पहला मैंने लिखा है, रिटेनिंग वॉल इज इंटीग्रेटेड विथ द ग्रेड स्लैब एट बेसमेंट लेवल -4125। ड्राइंग में देखिए जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये देखिए -4125 का लेवल है और इस लेवल पे आप देख रहे हैं कि ग्रेड स्लैब को, ये देखिए मैं राउंड कर रहा हूँ, इसको रिटेनिंग वॉल के साथ इंटीग्रेट किया गया है। सेकेंड, रिटेनिंग वॉल इज इंटीग्रेटेड विथ नॉन टावर एरिया स्लैब एट बेसमेंट स्लैब। अब ये देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ फ्रेंड, -400 के लेवल पे ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस कितनी है, 200 mm। तो यहाँ पे अगेन रिटेनिंग वॉल को इंटीग्रेट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, दिस इज़ डन एज पर द कंस्ट्रक्शन एंड सेकंड एज पर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट की बात करें फ्रेंड, तो ये समझिए कि जो स्लैब कास्ट की जा रही है -400 के लेवल पे, जब तक इसे नहीं कास्ट करेंगे तो बेसमेंट में कोई भी यूटिलिटी एंड सर्विसेज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ इस स्लैब को कास्ट करने के बाद ही इसके ऊपर में लैंडस्केप डेवलप किया जाएगा, इसी बात को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट की बात करें फ्रेंड, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो मोड्स ऑफ फेलियर है क्या क्या है, ओवर टर्निंग एंड स्लाइडिंग, तो इसको काउंटर करने के लिए भी ये एक सपोर्ट की तरह है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।